चाइना ने टेस्ला के साथ बहुत अजीब गेम खेला है। 2018 में टेस्ला पहुंचा था चाइना अपनी फैक्ट्री लगाने। तब चाइनीज गवर्नमेंट ने भर भर के प्रमोट किया था, इंसेंटिव्स दिए थे। यूजुअली जब कोई फॉरेन कंपनी चाइना में बिजनेस करने आती है तो उसे चाइनीज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना होता है, यह चाइना की कंडीशन है। बट टेस्ला के केस में ये रिक्वायरमेंट हटा दी थी। ये चाइना की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि गवर्नमेंट ने ये रिक्वायरमेंट वेव ऑफ कर दी थी। बट चाइना इतना मेहरबान क्यों हो रहा था? चाइना का मोटिव था अपनी लोकली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज को कम्पेटिटिव बनाना। टेस्ला के आने से उनकी डोमेस्टिक ईवीज को बूस्ट मिलेगा और वो ग्लोबली कम्पेटिटिव हो जाएंगी। और इसी के साथ टेस्ला ने स्टार्ट करी शंघाई में गीगा फैक्ट्री। अब टेस्ला बहुत खुश क्योंकि इतना सारा सपोर्ट मिल रहा था। बट ओवर द इयर्स जैसे जैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंप्रूव करती गई, चाइना ने फोकस शिफ्ट कर दिया डोमेस्टिक कंपनीज पे और उन्हें ज्यादा प्रमोट करने लग गई। एंड एज अ रिजल्ट टेस्ला का मार्केट शेयर गिरता चला गया। एंड ये बात जान के आपको हैरानी होगी कि चाइनीज गवर्नमेंट ने प्लेज साइन कराया टेस्ला से कि वो डोमेस्टिक कंपनीज के साथ प्राइस वॉर में एंगेज नहीं होगा एंड कोर सोशलिस्ट वैल्यूज के साथ ही काम करेगा। यहाँ टेस्ला समझ गया था कि चाइना को टेस्ला से जो भी फायदा लेना था वो चाइना को मिल चुका था एंड टेस्ला को दिए गए बेनिफिट्स वो धीरे धीरे कम हो रहे थे। तभी इलॉन मस्क को तलाश थी नेक्स्ट इमर्जिंग मार्केट की और वो था इंडिया। 2019 में ट्विटर पे इलॉन मस्क ने अपना इंटरेस्ट शो किया इंडिया में टेस्ला लाने का और वहीं नितिन गडकरी ने भी रिस्पॉन्ड किया, टेस्ला का स्वागत है रेड कार्पेट। बट टेस्ला की एक कंडीशन थी और कंडीशन थी इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की। देखो इंडिया का ईवी को लेके कस्टम सीन ये है कि अगर कार की वैल्यू $40,000 से ज्यादा है तो 100% ड्यूटी लगती है एंड अगर कम है देन 70%। टेस्ला की कंडीशन थी कि इसे 15% तक नीचे लेके आया जाए सो दैट वो अपनी कार्स इंपोर्ट कर सके। उनका प्लान ये था कि पहले 3-4 साल वो ईवी इंपोर्ट करके बेचेंगे एंड देन आफ्टर एनालाइजिंग कि मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड करता है देन वो अपनी फैक्ट्री इंडिया में सेटअप करेंगे। अब अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं हुई तो ऑब्वियसली इतनी हाई कॉस्ट पे टेस्ला उस मार्केट सेगमेंट को केटर नहीं कर पाएगा जो उसका टारगेट मार्केट है। तो पहले आप इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो सो दैट हम इंपोर्ट करके गाड़ियां बेच पाएं एंड इफ सक्सेसफुल तो हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप कर लेंगे। साउंड सिंपल राइट? बट ऑन 13 जनवरी 2022 इलॉन मस्क ने ट्वीट किया। इसका रीजन था कि इंडियन गवर्नमेंट को इलॉन मस्क की कंडीशन मंजूर नहीं थी। अब इसके मल्टीपल रीजंस थे। अगर आपको ध्यान हो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि करंटली टेस्ला की गीगा फैक्ट्री शंघाई चाइना में है सो इकोनॉमिकली वहीं से इंपोर्ट होंगी टेस्ला की कार्स इनिशियली। तो टेस्ला को इंपोर्ट ड्यूटी का बेनिफिट देने का मतलब था कि आप चाइना से आने वाली चीजों को इंपोर्ट बेनिफिट दे रहे हो जो कि ऑब्वियसली इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं था। टेस्ला का स्वागत है रेड कार्पेट है। पर वो कहेंगे कि चाइना में बनाएंगे और हिंदुस्तान में बेचेंगे और हमको कंसेशन मिले, ये कैसे संभव है? देन दूसरा सबसे बड़ा रीजन था इंडियन कंपनीज को प्रोटेक्ट करना। जब टाटा एंड महिंद्रा थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन्वेस्ट कर रहे थे फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया तब गवर्नमेंट ने उन्हें कमिट किया था टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन एज एन इंसेंटिव कि वो अर्ली इन्वेस्टर्स बने। तो अब अगर सरकार टेस्ला को बेनिफिट देती है तो वो इन कॉन्ट्रडिक्शन होगा सरकार की प्रीवियस कमिटमेंट के साथ। प्लस टेस्ला प्लान कर रहा है एक 20 लाख की गाड़ी लॉन्च करने का इंडिया में अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करता है। तो ऐसे में टाटा एंड महिंद्रा के लिए कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। अभी सीन ये है कि गवर्नमेंट एंड टेस्ला के बीच में नेगोशिएशंस चल रही हैं। सरकार ये कहती है कि हम कंपनी स्पेसिफिक बेनिफिट्स नहीं देंगे और एक ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे जिससे सबका फायदा हो। सो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए ऐसे केस में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।